सब्सक्राइब करें testbook.com को और बेल आइकन पर क्लिक करके किसी भी वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाएं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत आपके साथ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, नहा धो लिए होंगे और कॉफ़ी चाय के साथ हमारा करंट अफेयर्स देख रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ, जो ये रहा आपके सामने। मोटिवेशनल कोट आज का महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया और ये कोटेशन वही है जो आपको समझना है। इफ आई शैल द बिलीव दैट आई कैन डू इट, आई शैल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट इवन इफ आई मे नॉट हैव इट एट द बिगिनिंग। यानी कि अगर मैं कर सकता हूँ तो श्योरली मैं करूँगा और उस आपको उन सब काम करने के लिए मेरे पास जो भी स्किल्स जरूरी पड़ेंगी वो मैं एक्वायर करूँगा। भले ही शुरुआत में मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उन सारे चीज़ों को पॉलिश करूँगा, बार बार करूँगा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ये है डिटर्मिनेशन, ये है आपका कॉन्शियसनेस आपके गोल के लिए। शुरुआत में सब जीरो होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को पॉलिश करना होता है। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, डरिए मत, ये सबके साथ होता है। जो इसमें लगा रह गया वो सिलेक्शन नहीं लेगा और जो इससे भाग गया ना वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। कब तक लाइफ से भागेंगे? लाइफ आपको बुला रही है, मेहनत करिए और लड़िए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करते हैं इंडेक्स के साथ। और इंडेक्स में आपको हम दिखा रहे हैं हम क्या पढ़ाने वाले, साइंस और टेक्नोलॉजी से लेके एक्स्ट्रा हाईलाइट तक आपको हम पढ़ाएंगे। तो तैयार रहिए, बहुत सारी न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं। स्टार्टिंग करते हैं आपके पहले न्यूज़ की और यहाँ पर हम बात करेंगे गूगल की। अभी जब हम गूगल ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग की वजह से कई सारे पॉपअप खुल के आ जाते हैं। तो गूगल अपने गूगल क्रोम जो उसका ब्राउजर है उस पर एक डैशबोर्ड ला रहा है और इस डैशबोर्ड से आप अपने सारे पॉपअप को ब्लॉक कर सकते हैं, आपको कोई भी मार्केटिंग ऐड देखने की जरूरत नहीं है। आइए हम उसी की बात कर रहे हैं यहां पर, देखिए। तो अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन की कंपनी गूगल इज सेट टू रोल आउट अ डैशबोर्ड लाइक फंक्शन इन इट्स क्रोम ब्राउजर टू ऑफर यूजर्स मोर कंट्रोल इन फेंडिंग ऑफ ट्रैकिंग कुकीज। वही बात हुई जो मैंने बोला, तो गूगल एक डैशबोर्ड ला रहा है क्रोम पर जिसपे आप कुकीज को ब्लॉक कर सकते हैं और ये कुकीज आपको देखना बंद हो जाएंगी, तो आप बिना परेशानी के जो भी काम कर रहे हैं वो काम आप कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम डैशबोर्ड कुकीज को रोकने के लिए एक डैशबोर्ड आ रहा है, बस इतना ही आपको याद रखना है। गूगल क्रोम इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट जो आगे हैं वो सब कहानियां हैं, केवल मेन पॉइंट पर, मेन मुद्दे पर आपको ध्यान देना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, गूगल के स्टैटिक पॉइंट आपको दिखाते हैं। तो गूगल आपको बताइए कि कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, सुंदर पिचाई सीईओ हैं और रूथ पोराट इसके सीएफओ हैं। अगर आगे हम बढ़ेंगे तो हम अल्फाबेट कंपनी की बात करेंगे, अल्फाबेट का हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में है, लैरी पेज सीईओ हैं, सर्जी ब्रिन प्रेसिडेंट हैं। तो ये सब पॉइंट कितनी बार आपको हम बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी में दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं। एप्पल और गूगल इन्होंने अपने प्ले स्टोर और iOS स्टोर से 3 डेटिंग एप्लीकेशन को बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या है आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर Apple and Google have removed 3 dating application from their online store after the US Federal Trade Commission allows the application allow kids as young as 12 to access them। मतलब यहां पर क्या बात हो रही है, US Federal Trade Commission ने आरोप लगाया था कि जो dating websites हैं ये 12 साल से कम के बच्चों को भी access दे रही हैं, मतलब वो बच्चे भी डेटिंग कर रहे हैं इस एप्लीकेशन से। ये कहना है यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन का। तो एप्पल ने और गूगल ने 3 डेटिंग एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया है अपने प्ले स्टोर और iOS स्टोर से। तो ये देखिए अब ये कौन सी कंपनी है जिसके ये डेटिंग एप्लीकेशन थे, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इन अ रिसेंट लेटर द FTC वॉन्ट यूक्रेन बेस्ड वाइल्डेक LLC, यानी कि यूक्रेन की एक कंपनी है वाइल्डेक LLC जिसके 3 एप्लीकेशन है,
मीट 24, फास्ट मीट एंड मीट फॉर यू. तो ये तीनों एप्लीकेशन जो है ये 12th ईयर के कम के बच्चों को एक्सेस दे रहे थे. तो इसके लिए FTC मतलब क्या हुआ, FTC का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेडरल ट्रेड कमीशन. ये देखिए तो इसने वॉर्न किया है कि अगर आपने इसे बंद नहीं किया तो हम आपको पूरे अमेरिका से बैन कर देंगे. और US FTC ने भी बोला है कि दिस एप्लीकेशन अपीयर टू बी इन वायोलेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एट COPPA. अब ये COPPA एब्रीवेशन का पार्ट बन जाएगा, आपके फुल फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो ये न्यूज़ थी हमारी दूसरी आज की जो आपको हम दे रहे थे. ठीक, एप्पल के बारे में बात करें तो एप्पल के CEO टिम कुक हैं और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है. 1976 में इसको फाउंड किया गया था. और अगर आगे बढ़े और अगर हम बात करें आपसे साइंस यूक्रेन की, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, पेट्रो पोरोशेंको. कीव यहाँ की कैपिटल है. और एक मिनट मैं आपको उसको ठीक से दिखा दे रहा हूँ. ठीक है, और यूक्रेनियन हैरिविनिया यहाँ की करेंसी है. तो ये भी पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर रिसेंट साइंस और टेक्नोलॉजी न्यूज़ का रिवीजन आपको हम दे रहे हैं. हमारे पहले स्लाइड पर आपको ये चीज़ दिख रही होगी. इसके बाद देखिए यहाँ पर बेबी कोलंबो मिशन भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है रिवीजन करने के लिए. नासा का इनसाइट मिशन की बात करें ये भी आपको हम पढ़ाए हुए हैं. तो ये सब कुछ रिवीजन के पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जो आपको भूलने नहीं चाहिए. अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, लिस्ट ऑफ वेरियस कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर SSC CGL CDS UPSC एग्जाम. कई बार ये पूछे गए क्वेश्चन. तो हमने पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस और प्रोटोकॉल की एक लिस्ट आपको दी है. ये आपको लर्न कर लेना है आज के आज अगर आप UPSC लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं. तो देख लीजिए, रैमसर कन्वेंशन की बात कर ले, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात कर ले, किस ईयर में पैक्ट साइन हुए, हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबका कलेक्शन एक साथ हमने आपको दिया हुआ है, याद करना जरूरी है इसे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और आज के तीसरे न्यूज की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं. तो महाशक्ति टेंपल टू बी रिलोकेटेड, महाशक्ति मंदिर को स्थानांतरित किया जाएगा. क्या मतलब है इसका, आइए देखते हैं इसके बारे में. देखिए द मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू रिलोकेट महाशक्ति मरियप्पन टेम्पल फॉलोड इट्स रिमूवल लास्ट ईयर फ्रॉम द गिरिवलम पाथ इन तिरुवन्नामलाई. तो तिरुवन्नामलाई में एक रास्ता था जिसका नाम था गिरिवलम. तो वहाँ पर ये टेंपल था, महाशक्ति मरियप्पन टेंपल. तो इस रास्ते से इसको हटाया गया था. तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस टेंपल को फिर से रीलोकेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दे दिया. यानी ये टेंपल जो है ये टेंपल रीलोकेट किया जाएगा. आगे देखिए, जस्टिस के रविंद्र चंद्र बाबू डायरेक्टेड द तिरुवन्नामलाई कलेक्टर टू असाइन द टेम्पल एट अबाउट 270 meters फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन. यानी कि 270 meters दूर फिर से इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा. टेम्पल का नाम याद रखना जरूरी है, ये याद कर लीजिएगा. ये आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव न्यूज़ है. ठीक है, चलिए तमिलनाडु की बात करते हैं. तो तमिलनाडु की बात करते हैं, स्टडिक पॉइंट आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं. कल भी हमने आपको दिखाया था तमिलनाडु के स्टडिक फैक्ट, जैसे गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, इसके बाद स्टेट सिम्बल्स, रिवर एंड डैम्स. अच्छा, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है. फेमस टेम्पल्स इन इंडिया विथ रिवर, मतलब कि कौन से टेम्पल कहाँ पर हैं और इनके आसपास कौन सी नदी बहती है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देख लीजिए. इसकी भी स्लाइड हमने आपको दे दी है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे. आज के अपने चौथे न्यूज़ की बात करेंगे. देखिए, टाइगर वुड्स अवार्डेड प्रेसिडेंशियल मेडल. इसका मतलब क्या हुआ, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बेस्ट आउट टाइगर वुड्स विद द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम द नेशन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. तो US का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये टाइगर वुड्स को दिया गया है बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. ठीक है, अब देखिए, टाइगर वुड्स इज ओनली द फोर्थ एंड द यंगेस्ट गोल्फर एवर टू हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट अमेरिकन सिविलियन ऑनर. तो टाइगर वुड्स की बात करें तो सबसे कम उम्र के गोल्फर हैं और अभी तक के अमेरिका के इतिहास के ये फोर्थ गोल्फर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है. तो देख लीजिए, ये पॉइंट तो आपको लर्न हो जाएगा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. रिसेंट अवार्ड एंड ऑनर की बात करते हैं तो आपको बहुत सारी रिवीजन हम कराने वाले हैं यहाँ पर. देखिए, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था कि यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज ये किसको मिला था, ये ला लोन और क्या सो ओ को मिला था. ये भी पॉइंट आपको याद होगा. फॉर्मर इसरो चेयरमैन AS किरण कुमार को फ्रांस गवर्नमेंट ने शिवेलियर डी लॉ रीजन डी ऑनर का अवार्ड दिया था. ये भी आपको हमने पढ़ाया हुआ है. अच्छा, ये नया न्यूज़ है, ये देख लीजिए. द आर्टिकल टाइटल्ड कोलगेट 2.0 ऑथर्ड बाई द नीलिना MS पब्लिश बाई द क्रेवन मैगजीन इन मार्च हैज़ वॉन द ACJ अवार्ड फॉर
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म 2018. देख लीजिए यहाँ पर नीलिना एमएस को एसीजे अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मिला था, ये भी याद कर लीजिएगा पॉइंट, ठीक है. चलिए अल्फ्रेड ब्राउनवेल की बात करें तो इन्हें गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज मिला था, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. गोल्फर क्या होता है, ये कौन पूछा है, भद्रशीला का था. गोल्फर बेटा गोल्फ एक गेम होता है जिसमें जस्ट लाइक क्रिकेट की तरह खेलते हैं इसे. एक बार आप देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको मालूम चल जाएगा. तो जो प्लेयर उन्हें खेलते हैं उन्हें हम गोल्फर बोलते हैं. चलिए जी डी रॉबर्ट ऑनर्ड विथ वी के मैनन अवार्ड. जी डी रॉबर्ट इनको वी के मैनन अवार्ड मिला है, इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं. देखिए इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट जी डी रॉबर्ट गोवेंदकर वॉज कन्फर्ड विद द वी के कृष्णा मैनन अवार्ड 2019 इन द यूके. तो यूनाइटेड किंगडम में मिस्टर जी डी रॉबर्ट गोवेंदकर को वी के कृष्णा मैनन अवार्ड मिला है, और ये जी डी रॉबर्ट गोवेंदकर साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ये भी पॉइंट हम आपको बता दें. देखिए दिस अवार्ड इज गिवन टू मार्क द 123rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द वी के कृष्णा मैनन. तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये 123वें बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वी के कृष्णा मेनन के उपलक्ष्य में दिया गया है, तो ये भी पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है. अब ये वी के कृष्णा मेनन कौन थे, ये इंडियन डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन थे, तो ये काफ़ी अच्छे पत्रकार थे, तो इनके स्मृति में इनको याद करने के लिए इनके नाम पर एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019. तो इंपॉर्टेंट अवार्ड की हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपको बताएं हमारे प्राइम मिनिस्टर को रशिया ने अपना ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया था. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नोबेल ये किसको मिला था, ये सनी शाह को मिला था. के शिवा रेड्डी को भी प्रेस्टीजियस सरस्वती सम्मान दिया गया. ये सब पॉइंट कुछ रिवीजन करने के लिए हैं. डॉक्टर ए के सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला. भयानकम को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड दिया गया. बेनी एंटनी को नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया गया. तो ये सब रिवीजन के लिए अच्छे पॉइंट हैं जो आपको रिवीजन कर लेना है अगर आप पीडीएफ देख रहे हैं हमारा, तो ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको ले चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पर, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी यहाँ पर क्या आने वाली है हम उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं. तो कल हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपीस ओडिशा गवर्नमेंट को दिए हेल्प करने के लिए. प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 1000 करोड़ असिस्टेंस देने का ओडिशा को. तो ये उसकी न्यूज़ है, बस आपको इतना याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस किए हैं 1000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस हेल्प करने के लिए ओडिशा को. तो इतना ही पॉइंट आपको लर्न करना है, आपसे एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा. ओडिशा पर फेनी तूफान पर क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, जितने क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं उतने सारे पॉइंट आपको लर्न कर लेने, क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने. और अगर हम रिसेंट नेशनल अफेयर्स न्यूज़ की बात करें तो अगर इसके रिविजन की बात करें, मैंने आपको पढ़ाया था कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने उद्यम नाम का एक सेंटर ओपन किया है बेंगलुरु में, तो यह भी पॉइंट आपको लर्न होगा. जयपुर की बात करें, जयपुर होस्ट द 8th एशियन यूथ वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप. जयपुर जो है ये 8th एशियन यूथ वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है इसको होस्ट कर रहा है, यह भी आपको लर्न करना होगा. यह नया पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है. टू कमोमरेट द 750th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री वेदांता दस्किन वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू अनविल्ड अ पोस्टेज स्टैम्प. ये भी आपको पढ़ाया गया है पॉइंट, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स में, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं. और यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है, INS रंजीत डीकमिशन्ड. तो INS रंजीत को डीकमिशन कर दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं. देखिए तो INS रंजीत अ राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर वॉज डीकमिशन्ड एट विशाखापट्टनम. तो आपको याद क्या करना होता है कि ये जो हमारा वॉरशिप है ये कहाँ पर डीकमिशन हुआ और उसका नाम. तो विशाखापट्टनम में ये डीकमिशन हुआ, इसका नाम क्या है, INS रंजीत. इस शिप को 15 सितंबर 1983 को कमीशन किया गया था बाई कैप्टन विष्णु भागवत किया गया था, और इसने देश की 36 ईयर सेवा की, और अब इसे डीकमीशन कर दिया गया है. INS रंजीत विशाखापट्टनम याद करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है. चलिए तो यहीं पर आपको रिवीजन करवाते हैं. यहाँ पर तो आपको पता है ना कि अफ्रीका इंडिया ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसे हम FINDEX बोलते हैं ये पुणे में हुआ था, आपको याद होगा. अगर हम बात करें 33rd एडिशन ऑफ द इंडियन इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल मीन्स इंडो कॉर्पेट ये पोर्ट ब्लेयर में संपन्न हुआ था, ये भी आपको याद होगा. आगे बढ़े तो अल नगा 3 ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज था इंडिया और ओमान के बीच में, ये भी ओमान में हुआ इस बार, ठीक है. 6th एडिशन ऑफ इंडो श्रीलंका ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज मित्र शक्ति ये श्रीलंका में हुआ. आगे बढ़े 8th इंडो बांग्लादेश ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज संप्रति 8 हिल्ड इन बांग्लादेश तंगाली,
रेक्टेंगल, तो ये भी आपको पढ़ाया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ाए गए जो रिविजन करने के लिए थे। और इसी क्रम में आगे आपको दिखाते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्डर इन डिफेंस, यानी आर्मी चीफ कौन है, एयर फोर्स चीफ कौन है, नेवल स्टाफ चीफ कौन है, उनके नाम आपको यहां पर बताए गए हैं। साथ ही साथ हमने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के हेड भी आपको लिस्ट दी है। ये भी आप याद कर लेंगे आपके लिए अच्छा काफी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ और अफेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पर तो अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि माली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया था। तो माली में एक नई सरकार बन गई है, नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, उनकी बात यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर तो माली की बात करें तो माली के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर इब्राहिम इब्राहिम बाउबकर कीता, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है माली के नए प्रेसिडेंट का नाम। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्राइम मिनिस्टर बाउबो सीसे। देख लीजिए तो माली के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रधानमंत्री बाउबो सीसे। और माली के प्रेसिडेंट कौन है, तो माली के प्रेसिडेंट है इब्राहिम बाउबर कीता। तो ये नया अपॉइंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, ये नाम आपको लर्न कर लेना चाहिए, ये नया अपॉइंटमेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने आपको लिस्ट ऑफ रिसेंटली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर 2019 की पूरी लिस्ट दी है। इस लिस्ट को आप चाहे तो याद कर सकते हैं, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट। अगर आप हमारा करंट अफेयर्स दिल से फॉलो करते हैं तो हमने आपको इतने पॉइंट का रिविजन करा दिया कि आप अगर डेली पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं होगी। यकीन मानिए, आप पहले पीडीएफ को ध्यान से समझिए कि किस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है। हम कन्वेंशनल चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, हम एक ऐसा शो देना चाहते हैं जहां पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज मिले। नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम आपको केवल 5 या 10 न्यूज़ नहीं कराते हैं, आपको हम कम से कम 25-30 न्यूज़ डेली देते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ और अफेयर्स की। तो इंडिया एंड यूएस हेल्ड बायलेट ट्रेड मीटिंग, तो इंडिया और यूएस की एक ट्रेड मीटिंग हुई है। कहां पर हुई है उसकी हम बात करने के लिए आपसे जा रहे हैं। देखिए, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हेल्ड द इंडिया यूएस बायलेटरल ट्रेड मीटिंग इन न्यू दिल्ली ऑन 6 मई। तो 6 मई को इंडिया और यूएस के बीच में इंडिया यूएस बायलेटरल ट्रेड मीटिंग हुई है। इस ट्रेड मीटिंग को हम क्या बोलते हैं बताएं, इसको हम बोलते हैं यूएस ट्रेड विंड। ये आपको याद रखना है। देखिए, यूएस ट्रेड विंड करता क्या है, ये यूएस कंपनी को मोटिवेट करता है कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको ये भी बता दूं, US ट्रेड विंड US कंपनी को मोटिवेट करता है कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। तो अभी फिलहाल इंडिया US बायलेटरल ट्रेड मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में हुई थी, आपको इतना याद रखना है बस, ठीक है, इतना याद रखिए बस। चलिए तो ये पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आगे बढ़ेंगे और यहीं पर रिविजन की बात करेंगे। आपको मैंने पढ़ाया है कि किंग महा विजीरा लोंगकोन, ये थाईलैंड के नए किंग बने हैं, ये भी आपको याद ही होगा। आगे बढ़े तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मई को चाइना के जो गुड्स हैं उस पर $200 बिलियन का टैरिफ लगा दिया है, मतलब 25% जो है टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया है। यूएस कहना यह है कि चाइना के प्रोडक्ट से हमारी इकॉनमी स्लो हो रही है, तो हमें इतना पैसा चाइना से चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट, ठीक। और देखें, द 14th एडिशन ऑफ द एनुअल शिनो इंडियन बॉर्डर ट्रेड ओपन्ड एट नाथुला इन सिक्किम ऑन 1 मई 2019, ठीक। और देख लीजिए तो जैश ए मोहम्मद चीफ मोहम्मद मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित किया गया है, आपको यही पता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह घोषित कर दिया है। और अगर आगे बात करें तो 2nd एडिशन ऑफ द बेल्ट एंड रोड फोरम, ये कहां पर हुआ था, बीजिंग चाइना में हुआ था, ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो थे वो रिविजन करने के थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। अच्छे दोनों आज आपको दो अपॉइंटमेंट की न्यूज देंगे, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला वीजा, आप जानते हैं आपके डेबिट कार्ड पे वीजा लिखा होता है। वीजा हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ सुजाता वी कुमार एज द हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया। तो वीजा ने क्या किया है, वीजा ने इंडिया और साउथ एशिया में मार्केटिंग के लिए सुजाता वी कुमार को अपॉइंट किया है। आपके सामने इनकी इमेज भी है और इनका नाम भी है, ठीक। आगे देखिए, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने, पाकिस्तान के रिजर्व बैंक ने मिस्टर रेजा बाकिर, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको एज अ गवर्नर अपॉइंट किया है। देख लीजिए, गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर 3 ईयर। रेजा बाकिर ये कहां पर थे, ये IMF में एज अ इकोनॉमिस्ट वर्क कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। 1945 में इसको बनाया गया, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 189 मेंबर कंट्रीज हैं। क्रिस्टीना लेगार्डे MD हैं IMF की, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। देख लीजिए अभी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेजर अपॉइंटमेंट इन अप्रैल 2019, मेजर अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, पूरी लिस्ट हमने आपको यहाँ पर दी हुई है आपको आपके रिवीजन करने के लिए, आप रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज़ की। और यहाँ पर ग्रेगर की बात कर रहे हैं, ग्रेगर अपॉइंटेड ग्लोबल एम्बेसडर, मतलब क्या हुआ देखिए, जैसे पूरे वर्ल्ड में 9000 सिटीज़ हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में 9000 जो मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उसमें मेयर वर्क करते हैं, मेयर हमारे देश में मेयर नहीं होते लेकिन और देश में मेयर काम करते हैं। तो ये मेयर का एसोसिएशन है, ये मेयर्स का ग्रुप है जो क्लाइमेट चेंजेस पर वर्क कर रहे हैं, तो उनके इस ग्रुप का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है ग्रेगर को, ये भी पहले फॉर्मर मेयर रह चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ग्रेगर रॉबर्टसन हैज़ एक्सेप्टेड एन एम्बेसडर रोल विद द ग्लोबल कन्वेनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी। देख लीजिए तो ग्लोबल कोवेनेंट ऑफ मेयर्स ऑफ क्लाइमेट एंड एनर्जी, इसके ये एम्बेसडर बने हैं। देखिए द ग्लोबल कोवेनेंट ऑफ मेयर्स इज अ कोएलिशन ऑफ ओवर 9000 सिटीज एंड इज द लार्जेस्ट ग्लोबल एलियंस फॉर क्लाइमेट लीडरशिप। हम यही बात कर रहे थे आपसे, तो नाम क्या है इनका, ग्रेगर रॉबर्टसन, इनको याद करना है, ये एम्बेसडर बने हैं ग्लोबल कोवेनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी, तो ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो ठीक है, हमें बात क्लियर हो जाएगी। और यहीं पर हमने आपको रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर अप्रैल 2019 की लिस्ट पूरी दी है यहाँ पर, जैसे फोन पे की बात कर ले आमिर खान, फैंटेसी 11 की बात कर ले मुरली कार्तिक, रेडबस की बात कर ले एमएसडी, तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफी अच्छी न्यूज यहां पर हम दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, देखें यहां पर, देखिए ऑर्बिटरीज की बात करते हैं, ऑर्बिटरीज की बात करते हैं, तो देखिए मपिला पट्टू सिंगर एंड केरला फोक अकेडमी वाइस चेयरमैन मिस्टर एरड होली मूसा, मिस्टर एरड होली मूसा, इनका निधन हो गया है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, थोड़ा नाम टफ है लेकिन आप याद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पॉपुलर फोक सिंगर एंड एक्टिविस्ट रामा राव, इनका भी निधन हो गया है, तो पॉपुलर फोक सिंगर हैं और एक्टिविस्ट थे रामा राव, इनका निधन हो गया है। आगे बात करें तो फॉर्मर बिलियर्ड्स प्लेयर डेरेक सिप्पी का निधन हो गया है, आइए इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए फॉर्मर बिलियर्ड्स प्लेयर कोच एंड एडमिनिस्ट्रेटर डेरेक सिप्पी डाइड इन मुंबई, तो इनका निधन मुंबई में हो गया है। ये अभी इंडियन टीम के कोच थे एट द रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन अंडर 21 बॉयज स्नूकर एंड एशियन वुमेन स्नूकर टूर्नामेंट इन चंडीगढ़, तो ये कोच के तौर पर काम कर रहे थे और अभी इनका निधन हो गया। तो तीन तीन ऑबिटरीज हमने आपको दी यहाँ पर आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बिजनेस और इकोनॉमी के न्यूज़ पर चलते हैं आपके लिए। और देखिए कोई भी बैंक हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, ये बैंक अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं एट लास्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानती है कि इन बैंकों से ये बैंक अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करेंगे, मतलब ये लोन वहां देंगे जहां से इनको प्रॉफिट होता है, लाइक बिजनेसमैन, ये फार्मर्स को एजुकेशन को इन पर लोन नहीं देंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसीलिए एक लिमिट बना दी है कि नहीं, आपको एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, इन सेक्टर्स में इतना इतना लोन तो देना ही देना है। हम उसी की बात यहां पर करेंगे। देखिए यहां पर The Reserve Bank of India has increased the eligibility capital on home loans extended by the regional rural bank and small finance bank to rupees 35 lakh in metropolitan areas and 25 lakh in other center. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर महानगर में कोई ग्रामीण बैंक वर्क कर रहा है या कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्क कर रहा है तो वो अब कस्टमर को 35 लाख रुपीस मैक्सिमम होम लोन दे सकता है, और अगर आप महानगर में नहीं है तो आप इन बैंकों से 25 लाख रुपीस मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में जरूर देखने को यह मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक महानगर में अब 35 लाख रुपीस का होम लोन दे सकते हैं और महानगर से बाहर नॉर्मल शहरों में 25 लाख का लोन दे सकते हैं, याद कर लीजिएगा, यह याद करना आपके लिए जरूरी है, एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक चीज और चेंज हुई है। देखिए आपने हमेशा सुना होगा कि हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, तो क्राइटेरिया क्या है, तो अभी तक क्या था कि अगर किसी परिवार की इनकम 2 लाख रुपीस पर एनम आती है तो उसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में रखा जाता है, लेकिन अब आरबीआई ने इसे चेंज कर दिया और अगर किसी परिवार की इनकम 3 लाख पर एनम आ रही है तो अब वो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आएगा। इसके साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी बोला है कि अगर किसी फैमिली की एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम आ रही है या 6 लाख आ रही है तो वो अब एलआईजी में आएगा, मतलब लो इनकम ग्रुप में आएगा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसे आपको याद करना काफी जरूरी है। तो 3 लाख एंड 6 लाख, 3 लाख फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड 6 लाख फॉर लो इनकम ग्रुप, ये दोनों पॉइंट आपको लर्न करने,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर से रिवीजन का पॉइंट आपके लिए है। तो SBI कार्ड ने 700 करोड़ रुपीज मार्केट से उठाए हैं, ये न्यूज मैं आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट में पढ़ाऊंगा अभी आगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $5 बिलियन का एक्शन प्लान लॉन्च किया है फॉर हेल्दी ओशियन एंड सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी, कल ही मैं आपको ये पढ़ा रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 रुपीज का एक करेंसी लॉन्च किया है जिसपे शक्तिकांत दास जी के सिग्नेचर होंगे और इस पर एलोरा टेम्पल्स के केव भी हैं, इमेज भी है, ये भी आपको याद करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का पहला बैंक बन गया है जिसने ग्रीन कार लोन शुरू किया है, और ग्रीन कार लोन का मतलब कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल कार खरीदते हैं तो आपको कम रेट पर लोन मिलेगा, 20 बेसिस पॉइंट कम रेट पर आपको लोन मिलेगा, ये सब आपको पढ़ाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स की न्यूज़ आपको देते हैं। स्पोर्ट्स, तो रोजर फेडरर जो है ये 3rd नंबर पे पहुंच गए हैं मेंस रैंकिंग पर। मेंस रैंकिंग का मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेनिस की, ठीक। देखिए तो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 रोजर फेडरर हैज रिटर्न टू 3rd in the ATP मेंस रैंकिंग रिलीज ऑन 6 May, ठीक। ये 3rd नंबर पे हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को पीछे किया है। तो पहले दूसरे पे कौन है वो भी याद कर ले। तो नोवाक जोकोविक रिमेन फर्स्ट अहेड ऑफ राफेल नडाल सेकंड। तो नोवाक जोकोविक पहले नंबर पे हैं, राफेल नडाल दूसरे नंबर पे हैं रैंकिंग में, और रोजर फेडरर तीसरे नंबर पे हैं रैंकिंग में। तो ये न्यूज आपको हम दे रहे थे। अच्छा, ऐसे बच्चे जिनके CGL के एग्जाम है या फिर CHSL के एग्जाम है या फिर रेलवे के एग्जाम है, तो उनके लिए एक लिस्ट है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 विनर लिस्ट 2018 की हमने आपको दी है, आपको हमने फ्रेंच ओपन 2018 की लिस्ट दी है बिकॉज पुराने क्वेश्चन पूछे आते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले बच्चों को ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद विम्बलडन चैंपियनशिप 2018, और इसके बाद हम बात करें US ओपन 2018, इसकी कंप्लीट लिस्ट हमने आपको दे दी है। ये उन बच्चों के लिए जो रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर SSC के एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर 1 पर लेकर आते हैं। एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर 1 ये है कि मास्टर कार्ड ने अनाउंस किया है इंडिया में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो मास्टर कार्ड अगले 5 सालों में इंडिया में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, इट इज ह्यूज अमाउंट। तो पहला न्यूज आपके लिए ये था। आगे बढ़ेंगे और आज के दूसरे न्यूज की बात करेंगे। IBSA ये ग्रुप है इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका का। तो इप्सा शेरपा मीटिंग कंक्लूडेड इन कोचीन। तो इप्सा शेरपा की मीटिंग कोचीन में संपन्न हुई, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए इप्सा इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका शेरपाज मीटिंग फॉलोड द 9th इप्सा ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्ड इन कोचीन। तो मंत्री स्तर की मीटिंग थी 9th इप्सा की, मतलब इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की, जिसे हम शेरपा मीटिंग भी बोलते हैं, ये कोचीन में हुई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आपको लर्न करना है। और इंडियन टीम को लीड कौन कर रहा था, तो सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर TS त्रिमूर्ति, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। तो गुजरात असेंबली पासेस एक्ट टू अलाउ शॉप्स एंड बिजनेस रिमेन ओपन 24/7। तो गुजरात असेंबली ने एक बिल पेश किया है कि अब गुजरात में शॉप्स और बिजनेस जो होंगे ये 24/7 वर्क कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर तो गुजरात शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2019, ये एक्ट याद करना जरूरी है, ये अभी गुजरात असेंबली में पास किया गया, और इसके अकॉर्डिंग कि शॉप्स होंगे बिजनेस होंगे वो गुजरात में 24/7 वर्क कर सकते हैं। और ये जो एक्ट है ये रिप्लेस करेगा गुजरात शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948, जहां पर इस एक्ट में था कि रात के 12 बजे से लेकर 6 AM तक कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये एक्ट रिप्लेस हो गया है, नया एक्ट आ गया है 2019 वाला, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं। तो 7 May को वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया, 7 May को। इसका मतलब समझिएगा, देखिए वर्ल्ड अस्थमा डे इज एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ऑन द 1st Tuesday इन मे। तो जरूरी नहीं है कि 7 May को ही हो, तो ये मे के पहले ट्यूसडे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार 7 May था। और इसकी थीम क्या थी, तो वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम थी स्टॉप फॉर अस्थमा। स्टॉप फॉर अस्थमा इज राइट आंसर, थीम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें तो एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिए ड्रेगन मिहेलिवको अपॉइंटेड एज कोच ऑफ इंडियन वॉलीबॉल टीम। तो इंडियन वॉलीबॉल टीम के कोच अपॉइंट हुए हैं ड्रेगन मिहेलोविक, इनका नाम है। तो आइए इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सर्बियन, ये सर्बिया के हैं, इनका नाम है ड्रेगन मिहेलोविक,
इनको एज हेड कोच अपॉइंट किया गया है मेंस नेशनल टीम का। इसके साथ ही साथ दो लोग और अपॉइंट हुए हैं, इनके नाम क्या हैं, तो इनके नाम देख लीजिएगा। इनके नाम हैं प्राइमिस्लाव गोजोस्की एंड वाल्दमीर रोदोसोविक। तो ये टीम के फिजियो ट्रेनर और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए तो साइकोथेरेपिस्ट अपॉइंट हुए हैं। नाम थोड़ा टफ हो जाएगा लेकिन आप लोग कहानी बना लीजिएगा, तो कहानी बनाने में आप माहिर होंगे। तो ये लोग भी अपॉइंट हुए हैं, वॉलीबॉल टीम की हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 6 की बात करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान 1971 युद्ध में ज्यूइश कम्युनिटी के एक सैनिक थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, JRF जैकब। तो इसराइल ने इनको सम्मानित किया, ये इंडिया में थे लेकिन ज्यूइश कम्युनिटी के थे तो इसलिए इसराइल ने सम्मानित किया। देखिए यहाँ पर इसराइल ऑनर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जैक फर्ज राफेल जैकब, इनका पूरा नाम है, हु नेगोशिएटेड द हिस्टोरिक सरेंडर ऑफ पाकिस्तान ट्रूप्स इन ढाका आफ्टर द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर विथ अ प्लैंक ऑफ वॉल ऑफ ऑनर एट द एम्यूनिशन हिल। तो मतलब कि इसराइल ने 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के बाद ढाका में पाकिस्तानी सैनिकों के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण में सफल होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जैक फराज राफेल जैकब को एम्यूनेशन हिल में वॉल ऑफ ऑनर के बैज से सम्मानित किया है। तो ये पॉइंट हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज़ नंबर 7 की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने एक ऐसा लेज़र सिस्टम डेवलप कर लिया है जो मल्टीपल मिसाइल्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका नाम क्या होगा, वो नाम आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर द US एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी टेस्टेड अ लेज़र सिस्टम कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेज़र डेमोन्स्ट्रेटर शील्ड। आपने अवेंजर्स की मूवी में शील्ड का नाम सुना होगा, शील्ड एंड हाइड्रा। शील्ड US का था और हाइड्रा जर्मनी की थी, आपने नाम सुना होगा। तो US एयरफोर्स ने सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेज़र डेमोन्स्ट्रेटर शील्ड डेवलप कर लिया है और इसका परीक्षण मैक्सिको में हुआ, जो कि मल्टीपल एयर लॉन्च मिसाइल को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। अच्छी खबर है US के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज़ नंबर 8 की बात करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट UK गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट 2022 तक एक INS विशाल, मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़, एक INS मिसाइल डेवलप करना चाहता है जो कि सेम कॉपी कट होगा ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट करियर का। आइए समझाते हैं क्या इसका मतलब है। देखिए द यूनाइटेड किंगडम इज इन टॉक विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन बिल्डिंग अ न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट करियर अलोंग द लाइंस ऑफ ब्रिटेन HMS क्वीन एलिजाबेथ। तो जो ब्रिटेन का करियर है HMS क्वीन एलिजाबेथ करियर, उसी को इंडिया कॉपी करना चाहता है और इसके लिए UK गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है। 65,000 टन ब्रिटिश वॉरशिप जो है ये है HMS क्वीन एलिजाबेथ और उसकी नकल हम करना चाहते हैं और इसका नाम क्या होगा, INS विशाल इन 2022। तो INS विशाल हम बनाना चाह रहे हैं सेम कॉपी HMS क्वीन एलिजाबेथ की, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 9 की बात करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड जो है ये SBI के अंडर में काम करने वाली कंपनी है जिसने मार्केट से 700 करोड़ रुपीस उठाए हैं। तो SBI कार्ड ने उधार लिया है थ्रू डेवेंचर, कितना इस पर ब्याज होगा हम सब बात करेंगे आपसे। देखिए यहाँ पर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने 700 करोड़ रुपीस मार्केट से रेस किए हैं, कहाँ से किए। देखिए तो SBI कार्ड ने SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रेज्ड रुपीज 100 करोड़ फ्रॉम ICICI सिक्योरिटीज़। तो ICICI सिक्योरिटीज़ से 100 करोड़ रुपीज़ रेज किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब अपनी ही बैंक से 250 करोड़ रुपये रेज किए हैं, 50 करोड़ फ्रॉम कैनरा बैंक एंड एक्सिस बैंक, इनसे भी लिए हैं। और इसके बदले में SBI कार्ड 9.15% का इंटरेस्ट पे करेगा, डिबेंचर के थ्रू ये पैसा उधार लिया गया। तो SBI कार्ड ने उधार लिया है पैसा, ये पॉइंट आपको हम समझा रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। महाराष्ट्र में सूखा पड़ गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक अनुरोध पर इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर MCC को हटा लिया है। अब ये MCC क्या है, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब कि इलेक्शन कमीशन कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा देता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये उस पर थोड़ी सी छूट मिली है, हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज परमिटेड रिलैक्सेशन इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन महाराष्ट्र फॉर कंडक्टिंग ड्रॉट रिलीफ वर्क इन द स्टेट। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने ड्रॉट से बचने के लिए किस स्टेट को MCC मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डाल लिया था, तो महाराष्ट्र हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 11 की बात करते हैं। FAME II स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे
द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द फेम टू स्कीम टू पुश द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल. तो इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को बूस्ट अप देने के लिए फेम टू को लॉन्च किया गया. तो द स्कीम एस्टिमेट दैट इंडिया कैन कंट्री सेव 64% ऑफ एंटिसिपेटेड रोड बेस्ड मोबिलिटी रिलेटेड एनर्जी डिमांड एंड 37% ऑफ कार्बन एमिशन इन 2030. यानी कि ऐसा करने से 2030 तक जो हमारे देश में कार्बन का उत्सर्जन है वो 37% कम हो जाएगा. और जो रोड बेस्ड मोबिलिटी मतलब कि जैसे हम जो डीजल पेट्रोल यूज करते हैं उसमें 64% की कमी आ सकती है. तो फेम टू स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है हमारे देश में इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 12 की बात करते हैं. तो ओडिशा सॉट ₹7,000 करोड़ अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम फॉर द फ्लड डिजास्टर रिलीफ. तो ओडिशा गवर्नमेंट ने हमारे केंद्र सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से 7,000 करोड़ रुपीज़ की डिमांड की है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना विथ 90:10 फंडिंग रेशियो. मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट दे पैसे और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगा पैसे. तो इसमें क्या है कि इस पैसे से 5 लाख डिजास्टर रिजिलियंट अफोर्डेबल हाउस बनाए जाएंगे. मतलब ऐसे घर जिन पर डिजास्टर का फर्क नहीं पड़ेगा, 5 लाख घर बनाए जाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे क्वेश्चन आंसर का. पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹10 करोड़ एस एन इमीडिएट रिलीफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओडिशा. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर होगा, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर आपको दे रहा है. क्या इसका आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु. तमिलनाडु आपको पढ़ाया गया था, पहला क्वेश्चन है. और गाइस सेशन को लाइक भी करना है आपको, भूलिए नहीं. चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. जस्टिस रविंद्र भट्ट वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाईकोर्ट. तो जस्टिस रविंद्र भट्ट किस स्टेट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं ये आपसे पूछा गया है. यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके पास है. वॉट इज द राइट आंसर गाइस, क्या इसका आंसर होगा, भूले नहीं. 11:30 पे आपको फिर से आना है और आज फिर से आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग एंड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के MCQ में कराने वाला हूँ. 3:30 पर हम करने वाले हैं इंश्योरेंस करंट अफेयर्स फॉर LIC AA एग्जाम्स. इंश्योरेंस करंट अफेयर्स से किसी भी एग्जाम में आ सकती है तो आप लोग उसमें भी आ सकते हैं. 3:30 पर मेरी क्लास आ जाए. चलिए एंड द आंसर इज राजस्थान. राजस्थान इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. वेरी रिसेंटली हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन एज इट्स मेंबर. आपको मैंने कल ही पढ़ाया इसका, क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम. ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आवर. Who has broken his 194-day fast in protest against sand mining and the upcoming dams on key rivers that feed the Ganga? What is the answer, guys? And the answer is option number 3, Swami Atma Bodhanand. Option number 3 is right answer. Okay, our next question is, researcher from Ruhr University, Bochum, in which country have developed a simple blood test that may help detect Alzheimer disease 8 years before the first clinical symptoms occur? तो किस देश के रूहर यूनिवर्सिटी ने ये खोज किया है ये आपको बताना है और पढ़ाया तो गया आपको ये भी पॉइंट है. एंड द राइट आंसर इज जर्मनी. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आवर. गेम चेंजर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर. गेम चेंजर, तो ये भी आपको पढ़ाया गया, ये कौन है भाई, ये पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं, बूम बूम इनका नाम है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की. देखिए यहां पर, नरेंद्र मोदी रीच्ड ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर टू विजिट डिस्ट्रिक्ट हिट बाय साइक्लोन फैनी. हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा. तो ओडिशा के गवर्नर कौन है ये आपसे पूछा गया है. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सारे बच्चे इसका सही आंसर दे लेंगे. क्या इसका आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज गणेशीलाल. ऑप्शन नंबर 4, गणेशीलाल इज राइट आंसर. गाइज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बेवरेज कैंस हैज द हिंडाल्को इंडस्ट्रीज टाइड अप इन मे 2019. तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने इसमें से किस किस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है. ये सारी कंपनी बेवरेज कैंस जो है बनाती हैं. आपके सामने यहां पर 5 ऑप्शन है. क्या इसका आंसर देना चाहेंगे आप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 और 3, मींस AMEA एंड कैन पैक इंडिया, दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन.
Where did the environment ministers of the G7 nations meet in May 2019 before the release of what is expected to be another alarming report on the state of the planet? ठीक है, तो G7 environment minister meeting कहाँ किस country में होने वाली है? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फ्रांस होगा. आपको पढ़ाया गया पॉइंट है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म टू क्रॉस द 300 करोड़ मार्क इन इंडिया? तो आई थिंक ये तो सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे. आपके इंटरेस्ट का ये पॉइंट है एंड द आंसर इज एवेंजर इंड गेम. तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फोर्थ ऑफ इंडियन नेवी स्टिल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 वॉज लॉन्च एज द कन्होजी लॉन्च इन द कन्होजी एंग्रे वेस्ट बेसिन ऑफ मजगांव डॉक यार्ड इट हैज बीन नेम्ड. इसका नाम क्या होगा ये आपसे पूछा गया है. तो ये भी आपको कल पढ़ाया गया था. क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा वेला. ऑप्शन नंबर 3 वेला इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड CSE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड टू अपस्केल उन्नत भारत अभियान? तो कौन सा IIT एग्रीमेंट कर रहा है ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज IIT कानपुर. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा इन 2019? तो मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया ये आपसे पूछा गया है. उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैल्यूड इंडियन बैंक्स इन 2019 विथ अ मार्केट कैपिटल ऑफ 6.45 ट्रिलियन? क्या इसका आंसर देना चाहेंगे आप लोग? आइए इसकी हम बात करने के लिए यहां पर जा रहे हैं. एंड द आंसर इज HDFC बैंक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दुती कृष्ण पंडा पास्ड अवे इन May 2019. He was a famous. ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे, क्लासिकल सिंगर थे? आपको पढ़ाया गया पॉइंट है. एंड द राइट आंसर इज पॉलिटिशियन. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द 11th मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड इन 2019? तो ये भी आपको बताना है. और ये ज्वाइंट टेररिज्म ग्रुप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्वेश्चन पूरा नहीं है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 11th मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हुई थी और ये कहाँ पर हुई? कैनबरा में हुई. आपको ये भी पता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. रिसेंटली नॉर्थ कोरिया हैज फायर्ड सेवरल शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल इनटू द सी ऑफ जापान. हु इज द हेड ऑफ नॉर्थ कोरिया? तो नॉर्थ कोरिया ने जापान के सागर में कई छोटी दूरी की मिसाइलें फायर की हैं. उत्तर कोरिया के प्रमुख कौन है ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. एंड द राइट आंसर इज किम जोंग उन. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, a Russian passenger plane made a fiery crash landing at which place, which airport, killing around 41 people? हाल ही में रूसी यात्री विमान ने किस हवाई अड्डे पर एक दुर्घटना कर दी है जिसमें लगभग 41 लोग मारे गए हैं? तो ये आपसे पूछा गया, क्या इसका आंसर होगा? And the right answer is शेरे में टीवो. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. 1 को गायब कर दिया कंप्यूटर जी ने. चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. रिसेंटली इन श्रीलंका सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर ब्लॉक्ड अगेन फॉलोइंग अ टेंस सिचुएशन इन विच प्लेस विच लीड टू ओवरनाइट पॉलिसी कर्फ्यू? तो क्या इसका आंसर होगा कि कहां पर एक तनावपूर्ण स्थिति के बाद श्रीलंका में सारे सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया? एंड द राइट आंसर इज निगोम्बो. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. ओके, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा. हु वॉन द मेन्स टाइटल इन द एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप हेल्ड इन मलेशिया इन May 2019? वॉट इज द आंसर? एंड द आंसर इज सौरभ घोषाल. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. तो ये था हमारा आज का सेशन. 11:30 पे आपको फिर से आना है अगर आपको बैंकिंग फाइनेंस के क्वेश्चन करने हैं. और 3:30 पर हम लोग LIC AA और बच्चों के लिए इंश्योरेंस करंट अफेयर्स का एक सेशन लेकर आएंगे, वो भी आप आ सकते हैं आप चाहें तो. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. अपना ख्याल रखिए, भूलिए नहीं, 11:30 एंड 3:30 आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका दिन मंगलमय हो बिकॉज हमें दो बार और मिलना है और जब मैं मिलूंगा आपसे तो आपका दिन मंगलमय कैसे हो सकता है ना. चलिए, थैंक यू सो मच.